जैसे कि आपको याद होगा कि हमने काफी डिटेल में कीवर्ड रिसर्च पढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि कीवर्ड्स को कैसे आपने रिसर्च करना है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन वो कीवर्ड की एक्सरसाइज हमने की क्यों थी? असल में तो वो कीवर्ड्स अब हमें काम आएंगे, क्योंकि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम वही कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं अपने कॉन्टेंट के अंदर। सो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ली थी मोबाइल स्टोर की, तो आपको याद होगा कि हमने मोबाइल स्टोर के अगेंस्ट मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन एक्सेसरीज और इस तरह से मिलते जुलते हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं मोबाइल स्टोर ओपन करूंगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो इस तरह से कीवर्ड ढूंढेगी और हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट उस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए। सो अब तक कीवर्ड रिसर्च तो ठीक थी, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे है असल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो मैंने जब कीवर्ड रिसर्च किए तो मैंने कुछ इस तरह से ग्रुप्स बनाए, और जो कि मैंने बताया था कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो आपने उनके ग्रुप्स बनाने हैं, और हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चार ग्रुप्स हैं और चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनमें डिफरेंट सेंस बन रही है, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं इनमें जो हर ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। सो होता क्या है कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप हर ग्रुप में एक प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं और उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को उसी ग्रुप में डाल देते हैं। ये ग्रुप तकरीबन 5 से 12, 10, 15 इसके अराउंड आप अपने कीवर्ड के ग्रुप्स बना सकते हैं। कोशिश करें कि कीवर्ड के ग्रुप्स छोटे रखें। अगर आपको ये लगे कि ग्रुप में डिफरेंट किस्म की वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो दो ग्रुप्स बना लें, ना कि एक ही ग्रुप में सबको आप उसमें घुसाते जाएं। सो इससे फायदा ये होगा कि आप ज्यादातर ऑप्टिमाइज कर सकेंगे अपने कॉन्टेंट को डिफरेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट। सो ये मैंने चार ग्रुप्स बनाए, इनमें से मैं एक ग्रुप पकड़ूंगा और उनको मैं की पेज के साथ असाइन कर दूंगा। सो जितने भी ग्रुप्स आप बनाएंगे, बेसिकली हर ग्रुप एक पेज के साथ असाइन करना जरूरी है। सो आपके जितने पेजेस हैं आप उनके साथ एक एक ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं या आपके क्लाइंट अगर नई वेबसाइट बना रहा है, तो अगर उसने कीवर्ड रिसर्च नहीं की तो उसके पेजेस भी नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको ये ग्रुप्स दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जी देखें ये सर्च हो रहा है और हमें लगता है कि इसके ऊपर एक पेज बनना चाहिए। या अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर डेफिनेटली आप ये डिसीजन लें कि जो ग्रुप जो लोग वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है और आपको लगता है कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च कर सकती है और अगर ये सर्च करके आए तो आपको सेल जनरेट हो सकती है, तो आपने ये डिसीजन लेना है कि इस ग्रुप के ऊपर मुझे एक पेज बना लेना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करें। तो ये ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रुप नंबर 1 लिया और मैंने उसको पेज नंबर 1 के साथ एसोसिएट कर दिया। अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 के साथ जब मैंने उसको एसोसिएट किया तो वो मोबाइल फोन प्राइसेस, लेटेस्ट मोबाइल फोन और इस तरह डिफरेंट जो है मैंने कीवर्ड एक ही जगह पर रख दी है। इसमें देखने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, लेकिन फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ प्राइसेस देखी, फिर मैंने मोबाइल फोन के साथ लेटेस्ट लगा दिया, ऑनलाइन देखा, ये सब वो सर्चेज हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है। इसमें हमारा कुछ नहीं है या आपने भी अपनी कोई पर्सनल इसमें टेक नहीं डालनी, उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि आपने गूगल से ये पिक करने हैं। सो आपका पर्सनल ओपिनियन इसमें नहीं आ सकता, आपका पर्सनल ओपिनियन आएगा जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तब आप सारे के सारे कीवर्ड्स गूगल में डालकर उसको रिसर्च कर लें कि उसके अगेंस्ट गूगल क्या क्या क्वेरीज बता रहा है। लेकिन जो गूगल से डेटा आपने डाउनलोड किया है, उसको एक्सेल शीट में डाला है, वो डेटा आपने यूज करके कीवर्ड ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स बनाकर आपने एसोसिएट करना है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स जो होते हैं वो ऑन पेज की पहली कंडीशन है या पहली शुरुआत वहां से होती है। अब ये कीवर्ड्स मैंने कैसे टाइटल में डाले, आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट कीवर्ड्स एक ही फ्रेज के अंदर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं लिखूं लेटेस्ट ऑनलाइन मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो उसमें काफी कीवर्ड्स मैंने मर्ज करके एक लंबी सी फ्रेज बना दी, जो गूगल को ये बताने की कोशिश की कि इसमें काफी सारे कीवर्ड्स हैं और चूंकि ये सब कीवर्ड्स गूगल में लोग सर्च करते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें मैक्सिमम मैं इसको कीवर्ड इन मैक्सिमम कीवर्ड्स को मैं टाइटल के अंदर लिखूं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मेरा कीवर्ड था तो वो मोबाइल फोन भी आ रहा है, मेरा मोबाइल फोन प्राइसेस था तो मोबाइल फोन प्राइसेस भी आ रहा है, और उसके बाद लेटेस्ट मोबाइल फोन था वो भी आ रहा है उसके बीच में, और मोबाइल फोन इन पाकिस्तान गोया के ये इकट्ठे नहीं आ रहा लेकिन मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान मैंने लिखा है। सो गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि अगर कोई मोबाइल फोन इन पाकिस्तान सर्च कर रहा हो तो मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान पेज रैंक कर सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन इन और इन पाकिस्तान के बीच में सिर्फ प्राइसेस का वर्ड है। सो ये पूरा टाइटल इसलिए सेंस बना रहा है क्योंकि मैंने सारे के सारे कीवर्ड्स उसमें प्रॉपरली यूज किए हैं और मैं चाहूंगा कि सब सर्चेस गूगल इनको टाइटल में देखे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि गूगल जब मेरा टाइटल देखे तो उसको पता चले कि ये टाइटल किस पेज के ऊपर है और ये किस
टॉपिक के बारे में है और मेरा टॉपिक है मोबाइल फोन्स। सो मैं ये चाहता हूं कि मोबाइल फोन्स के ऊपर मेरा ये पेज ऑप्टिमाइज रहे, तो मैंने उसको यूज किया टाइटल के अंदर और यही काम मैं डिस्क्रिप्शन में भी करूंगा। लेकिन चूंकि हमारे पास डिस्क्रिप्शन की लेंथ ज्यादा होती है और मैंने ये भी बताया कि हम 300 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि 156 तक ही आप लिखें, तो मैंने 156 कैरेक्टर्स की एक डिस्क्रिप्शन लिखी। सेम कीवर्ड्स को मैंने दोबारा से यूज किया, लेकिन इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में यूज किया और चूंकि मेरे पास जगह ज्यादा थी तो मैंने उसको प्रॉपरली प्लान करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गेट अपडेट्स ऑन द लेटेस्ट मोबाइल फोन प्राइसेस इन पाकिस्तान। पहले सेंटेंस में मैंने जब लिखा गेट अपडेट्स, इसका मतलब मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप अपडेट्स लें ऑन लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान के ऊपर। तो यही मेरा कीवर्ड था, उसके अंदर मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, ये सब कवर हो रहे हैं। प्राइसेस का सेक्शन मैंने आगे डिस्कस किया, जिसमें सेकंड लाइन में हमारा चूंकि मोबाइल का नाम, हमारे मोबाइल स्टोर का नाम एबीसी मोबाइल्स है, तो एबीसी मोबाइल्स इज एन ऑनलाइन फोन स्टोर एंड वी प्रोवाइड अपडेटेड प्राइसेस ऑन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। सो इसमें मैंने ना सिर्फ प्राइसेस का वर्ड यूज किया बल्कि मैंने स्मार्टफोन्स भी यूज कर लिया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक सिनोनिम टाइप वर्ड है जो कि अगर कोई मोबाइल फोन्स लिख रहा हो तो वो स्मार्टफोन्स भी शायद लिख सकता है। अब चूंकि स्मार्टफोन्स की प्राइमरी फोकस नहीं था, मेरा प्राइमरी फोकस मोबाइल फोन्स के ऊपर था, तो मैंने मोबाइल फोन्स को इसके ऊपर ऑप्टिमाइज किया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको लगे कि स्मार्टफोन्स भी लोग सर्च करते हैं तो आप स्मार्टफोन का एक डिफरेंट ग्रुप बनाकर टॉप पर उसके डिफरेंट जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर एक नए पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिसका नाम भी आप स्मार्टफोन्स के साथ रख दें। ये आपने डिसाइड करना होता है कि कितनी आपने, आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, मतलब कि आपके पास टीम कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं, आप एक बंदा काम कर रहा है या 10 बंदे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस बनाना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी रीच हो, ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो वेबसाइट और बिजनेस फैले, ताकि जब भी कोई कुछ भी सर्च करे आपके बिजनेस से रिलेटेड अल्टीमेटली उनको आप मिल जाए। सो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब मैं लिखूंगा तो टेक्निकली HTML के अंदर मैं जब उसको देखूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें टाइटल ये HTML फॉर्मेट में लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखी हुई है, जिसमें रेड कलर में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको, ये मेरी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब होता ये है कि अक्सर लोगों को परेशानी ये होती है कि ये अब हम कैसे याद करें या कैसे लिखें। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि HTML आपने सीखनी इतनी है जितनी SEO की हद तक आपको आ जाए। सो इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपकी जिंदगी आसान कर देते हैं। आपको HTML सीखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है और आप उन टूल्स को यूज करके अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टूल मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है SEO Mofo। इसमें जब आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बिल्कुल ये आपको बताता है कि ये गूगल में नजर कैसे आएगा। तो अगर इसके ऊपर फील्ड्स लिखी हुई होती है जिसमें आपको ये बताता है कि आपने टेक्स्ट कितना लंबा लिखा है या आप कितना लंबा लिख सकते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन कितनी लंबी आप लिख सकते हैं और आप कितनी लिख चुके हैं, जब आप ये लिखेंगे उसके बाद URL भी लिखेंगे तो नीचे आपका वो एक डेमो दिखाएगा कि आपका ये जो मेटा टैग्स हैं, ये जो स्निपेट है, ये गूगल के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। सो ये जो पार्ट आपको नजर आता है सर्च के अंदर, इसको सर्च स्निपेट भी बोलते हैं। सो ये मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। आइए देखते हैं, मैं गूगल पे जाऊंगा और लिखूंगा SEO Mofo। आप SEO Mofo सर्च कर सकते हैं, आपको ये SEO Mofo का जो गूगल सर्च स्निपेट ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये आपको टूल मिल जाएगा और वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे अपना URL लिखेंगे, तो आपको बेसिकली वो नीचे पूरा वो बता देगा कि किस तरह से आपका वो टेक्स्ट नजर आएगा। सो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखूँ वो आपको नीचे लाइव दिखाएगा। सो देखने वाली बात ये है कि इसमें वो 70 कैरेक्टर्स की लिमिट मुझे बता रहा है और यहाँ पर मुझे 156 कैरेक्टर्स की लिमिट बता रहा है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो अक्सर ये भी होता है कि आप कम टेक्स्ट में आपकी स्पेस ज्यादा कवर हो जाती है। सो गूगल आपके सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं देखता, आपके कैरेक्टर्स का फैलाव भी देखता है, वो ये भी देखता है कि सर्च कितनी एक्सटेंड हो रही है। सो मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान। तो आप देखेंगे नीचे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो वैसे वैसे गूगल में वो मुझे दिखा रहा है कि गूगल में ये कैसे नजर आएगा। और अगर मैं इसी में मैं अगर डिस्क्रिप्शन लिखूं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो मुझे नीचे उसका लाइव डेमो दिखा रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि मैंने कितना लंबा, यानी मेरी कैरेक्टर्स की लेंथ क्या है। अभी तक मैं 28 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ, टाइटल में 25 कैरेक्टर्स की लिख चुका हूँ। इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास अभी गुंजाइश है, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन और भी बढ़ा सकता हूँ।
और यहाँ पर मैं अपनी डोमेन लिखकर ये भी देख सकता हूँ कि मेरी डोमेन के साथ वो कैसा लगेगा। सो आप देखेंगे जैसे मैंने abcmobiles.com लिखा उसने मुझे ग्रीन कलर में नीचे दिखा दिया। सो ये टूल आप यूज कर सकते हैं अपने लिए भी, और आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखकर एग्जैक्टली जान सकते हैं कि आपका वो टेक्स्ट कैसे नजर आएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने SEO Morpho से टाइटल लिखकर डिस्क्रिप्शन लिखकर मैंने अपना स्निपेट जनरेट कर लिया, और यही चीज आप गूगल को आप इस पे ये लिख के देख सकते हैं कि आपका गूगल में कैसे नजर आ रहा है। सो अगर आपने HTML जनरेट करनी है तो उसके लिए भी आप और भी जनरेटर ढूंढ सकते हैं, काफी आपको टेक्स्ट वो मिल जाएंगे जनरेटर जो आपका ये HTML टैग्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। आपने ये काम हर पेज के लिए करना है। सो आप याद रखिएगा जितने भी आपने कीवर्ड ग्रुप सर्च किए हैं वो आपने हर पेज पे ऑप्टिमाइज करने हैं। सो ये काम रिपीट होता है हर पेज के लिए, क्योंकि आपने SEO हर पेज की करनी है और आप चाहते हैं कि आपका हर पेज रैंक करने के काबिल हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप हर पेज की कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे तो आप हर पेज की उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, और हर पेज का एक कीवर्ड का ग्रुप बन जाता है जो आप उसके लिए यूज करते हैं। ग्रुप बनाने से एक फायदा और भी होता है, वो फायदा ये कि जब आप एक पेज का एक ग्रुप बना लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो कीवर्ड्स दूसरे पेज पर असाइन ना हो। सो आप पेज वन के ग्रुप वन कीवर्ड्स को आप पेज टू के ऊपर यूज नहीं कर सकते। सो पेज टू का ग्रुप टू कीवर्ड्स बनाए जो है वो सब आप जब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इससे ये होगा कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट नहीं होगा, और डुप्लीकेट नहीं होगा तो गूगल आपको ओवरलैप नहीं करेगा कि आपने मतलब अपना ही कंटेंट कॉपी किया है या आपके एक ही पेजेस दो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कीवर्ड के ऊपर मैं किस पेज को रैंक करूं, क्योंकि दोनों में वो आ रहा है। कोशिश करें कि फोकस रखें अपनी अप्रोच, और ज्यादा से ज्यादा यूज करें वो कीवर्ड जो आपने उस ग्रुप में असाइन किए हैं। अगर आपके पास और कीवर्ड्स हैं उसके लिए एक और पेज बनाएं और उसको वहां पर ऑप्टिमाइज करें। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, सो ये जो हमने एक्सरसाइज की, बेसिकली ये जो टैग्स हैं ये उसके लिए यूज होते हैं जो HTML वेबसाइट्स के लिए हैं, लेकिन CMS की भी हमने बात की थी कि उससे जिंदगी आसान हो जाती है। तो अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, जो कि हमने रिकमेंड भी किया है, आप वर्डप्रेस यूज करते हुए एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देता है। जब आप अपने पेज के टाइटल या पेज क्रिएट करते हैं तो आप इस तरह से वो आपको नीचे दिखाता है कि आपको किस तरह से वो गूगल में नजर आएगा, और आप यहीं पर ही अपना पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, यहाँ तक कि आपको URL की भी ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन देता है। जब आप ये ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो आपको बजाय इसके कि SEO Morpho या दूसरे टूल्स पे जाना पड़े, आप एग्जैक्टली यहीं से देख लेंगे कि आपको वो गूगल में किस तरह से नजर आएगा, और आप इसी को यहीं पर ऑप्टिमाइज कर लेंगे। इस तरह से आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो मेटा टैग्स वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। SEO Morpho में तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टूल जो है वो किस तरह से आपको गूगल में टेक्स्ट दिखाता है, लेकिन उसके अलावा भी आप टैग जनरेटर मिल जाते हैं जिससे आप मेटा टैग्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंट मेटा टैग्स जनरेटर यूज करके अपने जो HTML कोडिंग है वो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं गूगल पे जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा मेटा टैग्स जनरेटर। जैसे मैं मेटा टैग जनरेटर लिखूंगा मुझे गूगल काफी रिजल्ट्स दिखाएगा। सो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिकमेंडेड है वो SEO चैट का टूल है। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आप देखेंगे कि SEO चैट का एडवांस मेटा टैग जनरेटर ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है जिसमें आप काफी सारा डेटा फिल करके नीचे टैग जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे और भी टैग्स हैं जिसमें हमने अभी जिक्र नहीं किया इनका, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सबको फिल कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान, ये मेरा टाइटल है, और मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूं। और इसी तरह से मैं कीवर्ड्स भी कुछ लिख देता हूं जिसमें मोबाइल फोन्स मेरा एक कीवर्ड होगा, और फिर मोबाइल फोन प्राइसेस भी हो सकता है। याद रहे कि ये हम यूज गूगल अब इसको कंसीडर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे इसको अभी भी यूज करते हैं। इसके अलावा बाकी भी आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये बहुत एक्सटेंडेड मेटा टैग्स हैं जिसकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो आपको यूज करने हैं। जैसे आप ये लिख लेंगे अपने टैग्स तो आप इसको क्रिएट मेटा टैग्स करेंगे।
जैसे कि आप देखेंगे उसने मुझे HTML जनरेट कर दिया, इसमें मुझे उसने टाइटल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दिया, कीवर्ड्स भी दिया, और उसने फिर खुद से एक डिस्ट्रीब्यूशन का टैग भी जनरेट कर दिया है। ये वो टैग है जिसको मैं अगर खुद कॉपी कर सकूं तो आप खुद भी इसको गूगल में कॉपी कर सकते हैं, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप डेवलपर से भी करवा सकते हैं, तो ये आपको टैग्स लिखने की जरूरत नहीं है, इस टैग जनरेटर से आप अपने टैग्स बिल्ड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इस टूल के साथ आप अपने टैग्स जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको HTML नहीं भी आती तो आप SEO चैट के इस टूल के ऊपर जाएं और उसके ऊपर अपने टैग्स लिखें, जो भी आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद जनरेट कर दें, तो आपको बड़ी आसानी से HTML उसकी जनरेट हो जाएगी और वो आप सीधा बस उसको कॉपी करेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा उससे।